बड़ी खबर, नए साल के पहले रजौरी में हुए आतंकी हमले की गुनहगार सुनवाई आ रही है। गुनहगार आतंकी की एक तस्वीर सामने आई है और दावा यह किया गया है कि तस्वीर में दिख रहे वही आतंकी हैं जिन्होंने हमला किया और चार लोगों की जान ले ली। उसके अगले दिन आईईडी ब्लास्ट में तीन और मौत हो गई। हमले के बाद की ये पहली तस्वीर है। बताया जा रहा है कि ये तस्वीर रजौरी के कालाकोट जंगल के इलाके की है जहां आतंकवादी एक घर में खाना खा रहे थे। लोकेशन मिलने के बाद सुरक्षा बलों का ऑपरेशन तेज और अब इन आतंकियों की तलाश की जा रही है। हमलावरों की रजौरी और पुंछ में तलाश इस वक्त जारी है। ये ऑपरेशन के तौर पर चलाया जा रहा है जिसमें सेना इस वक्त जुटी हुई है। सुनील जी भट्ट हमारे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। सुनील, देखिए अब तो तस्वीर सामने आ गई है, पहचान हो गई है, क्या आइडेंटिफाई किया गया है लोकेशन के बारे में? क्योंकि ये सब वो डिटेल्स हैं जो दरअसल सामने तो नहीं आएंगी, लेकिन अगर कुछ जानकारी इस वक्त मिल पा रही हो कि आखिरकार ये आतंकी इतने दिन तक कैसे बच गए। बिल्कुल, जी बिल्कुल नेहा, इस समय जो सुरक्षा बल हैं वो पूरी तरह से तत्परता के साथ कार्य कर रहे हैं, चाहे वो राजौरी जिला हो, पुंछ जिला हो, वहां पर समूचे क्षेत्र में इस समय जो है गहन तलाशी अभियान चल रहा है। और जब से ये कायराना आतंकी हमला हुआ है राजौरी जिले में, तब से ही सुरक्षा बल की जो अलग अलग टीम्स हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में जो है तलाशी अभियान कर रही हैं, चाहे पुंछ जिला हो, राजौरी जिला हो, और यहां तक कि अब रियासी जिले के भी कुछ क्षेत्रों में ये जो तलाशी अभियान शुरू हो चुका है। क्योंकि ये दुर्गम स्थान है, पहाड़ी क्षेत्र है, घने जंगल है, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। लेकिन जो पहली तस्वीर इन आतंकवादियों की आई है, दरअसल बात जो सामने आ रही है कि कल देर रात कालाकोट इलाके में एक जंगल के इलाके में गांव है, वहां पर किसी स्थानीय निवासी के यहां ये गए और वहां पर उन्होंने खाने की मांग की, वहीं पर ये तस्वीर खींची गई है। फिलहाल ये आतंकवादी कहां गए हैं इसका आता पता नहीं है, लेकिन सुरक्षा बल जो है पूरे उस क्षेत्र को उन्होंने कॉर्डन लगाया हुआ है और साथ ही में तलाशी अभियान भी चल रहा है। लेकिन बिल्कुल तलाशी अभियान इस वक्त तेज है, पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। जल्द से जल्द इन सभी आतंकियों का पता लगाने के लिए सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है।